चंदाना जी आपसे बात का आगाज करता हूँ। अरब न्यूज़ ने कहा है कि ईद उल फितर पर 5 दिन के लिए वो कर्फ्यू नाफिज कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd till 27। पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू की तो बात नहीं हो रही, बल्कि हमने लॉकडाउन ओपन कर दिया है एंड ऑल दैट। सो आने वाले दिनों के अंदर कैसी सिचुएशन आप देख रही हैं? शुक्रिया मंसूर। देखिए, पाकिस्तान ने जो फैसला किया लॉकडाउन ईज करने का, उसके पीछे कुछ वजूहात थी और मेन वजह यही थी कि आपने बहुत सारे, हमने टॉक शोज़ भी किए, हमने ये गुफ्तगू भी की कि ये कोरोना वर्सेस इकॉनमी नहीं है, ये लोगों की या मौत आनी है कोरोना से या भूख से, मेन इशू ये था। और आपको, अगर आप वज़ीर आज़म हो या आप हुक्मरान हो, आपको ये हक नहीं फैसला करने का कि किसकी मौत कैसी होगी, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। डिसीजंस वहाँ से सारी स्टार्ट हुई। नेचुरली ईजिंग जब हुई लॉकडाउन की, प्राइम मिनिस्टर ने SOPs का भी बताया और ये भी NCOC में फैसला हुआ, जिसमें फ़ौज भी थी, जिसमें अपोजिशन मेंबर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, सूबे भी हैं, कि हम एक तरीके से चलेंगे और हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन नहीं आई थी, अगर आपको याद होगा, जब ईजिंग की बात हुई थी 177 डिस्ट्रिक्ट KP में स्मार्ट लॉकडाउन में थे, 359 पंजाब में थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आई है और वेरी रिस्पेक्टफुल उन्होंने फिर उसके ऊपर एक रिजॉइंडर भी दे दिया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि पैंडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है, क्योंकि WHO कह रहे हैं कि पैंडेमिक है। जो मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि हम कोशिश करें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से थोड़ी बहुत समझ आ रही है, कि हम स्वीडिश मॉडल जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन वुहान में भी फेल हो गया क्योंकि सेकेंड वेव बहुत बुरी आई है, सिंगापुर में फेल हो गया है, वहाँ पर बहुत बुरी वेव आई है, ऑस्ट्रेलिया में मईशत के साथ साथ डेथ रेट भी बढ़ गई है, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ लॉकडाउन से। अमेरिका में 33 स्टेट्स ने खोल दिया लॉकडाउन ईज। तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी बीमारी बढ़ेगी, लेकिन ये काबू से बाहर नहीं होगी। ये असद उमर साहब के अल्फाज थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमने पूरी कैलकुलेशंस करके ये दी है। जो सबसे बड़ा बोझ आएगा वो हमारे जो फ्रंट लाइन इस वक्त फौजी हैं, वो आपके डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, सबसे बड़ा इन पे आएगा बोझ। और ये आपके वो सिपाही हैं जिनके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई तलवार नहीं है, ये अपनी जानों से खेल के हमें बचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रेशर भी उन पर आएगा और सबसे बड़ा मसला भी उनका होगा। तंजीला, मुझे एक चीज़ बताएं, हम लोग बड़ा क्रिटिसिज्म करते रहे कि जी लॉकडाउन जब कम कैजुअल्टीज़ थी तब लॉकडाउन कर दिया, जब कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई, 46 का भी लेटली नंबर जो आया इन अ डे डेथ का वो आ गया, सो अब लॉकडाउन रिमूव हो रहा है ऑल दैट, और ऑब्वियसली इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट। आप इसको कैसे देख रही? अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आती है। देखिए, एक तो ये कि जब रियासती इदारे इंटरवीन कर रहे हैं एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग में, और वहाँ से कन्फ्यूजन आपका डाउन द लेवल आना शुरू हो जाता है कि है बीमारी नहीं है बीमारी, बीमारी सीरियस है, जानलेवा है, ख़तरनाक है नहीं है। एक तो अभी भी जो आम आदमी है वो इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके टॉप लेवल पे ये क्लैरिटी के साथ उस तरह से कन्वे नहीं हुआ। वी हैव बीन मेकिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स और हमने उस पर स्टांस अपना क्लियर नहीं दिया, रियासत में, एज अ रियासत पूरी बात कर रही हूँ। ठीक, दूसरी जानब जो बहुत बड़ा मसला, देखिए एक तो शानदाना कह रही है कि बहुत सारी वजूहात है, एक तो नागुजीर वजूहात है ना, कि जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक, तो जिन लोगों को बाहर जाए बगैर गुजारा नहीं है, उनका चूल्हा नहीं जलना, उनकी ज़िंदगी नहीं चलनी, उनकी सांस नहीं चलनी, वो तो जाए सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो ब्रांड्स के सूट लेने के लिए आवाम पागलों की तरह बाहर जा रही है, वहाँ पे ना तो चीफ जस्टिस कुछ कर सकते हैं, ना इमरान खान साहब कुछ कर सकते हैं, ना कैबिनेट कुछ कर सकती है, ना हम और आप कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब आप, हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी कौम पे जब बुहरान आते हैं तो उसमें उस कौम की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, वो बहुत उभर के सामने आ जाता है। तो हमारे लिए जो लेसन है वो ये कि हम जहालत को छोड़ने के लिए कतन तैयार नहीं है। हमारे पास जितनी मर्जी डिग्रियां हो जाएं, हमारे पास इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे पास सोशल मीडिया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, हमने लॉज बना लिए, सब कुछ हम कर लें, लेकिन जो जहालत है वो हमारी जान नहीं छोड़ती। और ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाला मसला, देखिए इसमें भी तो जाहिर है कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं आपने SOPs बनाए, आपने एक सिस्टम बनाया, आप उस सिस्टम को बिल्कुल अबेंडन करके छलांगे मारते हुए हर जगह पे जाए जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द वे। फिर आप ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, चीफ जस्टिस साहब के लिए बहुत एहतराम है, जाहिर है अदलिया है, मुल्क की आला तरीन अदलिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिया कि शॉपिंग मॉल्स खोल दें, लोअर कोर्ट्स आपने बंद किए हैं कोरोना की वजह से, शॉपिंग मॉल्स आपने खोल दिए हैं, तो मेरा भी एक केस है लोअर कोर्ट्स में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ठीक हो गया। अच्छा फहीम, मुझे एक चीज़ बताइएगा,
ये सवाल आजकल ऑब्वियसली आफ्टर कोरोना हमने देखा और ये बहुत टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्या वाकई तालीम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी है? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतनी बात करने के बाद, आप यकीन करें हम टॉक शोज़ करके घर जाते हैं, लोग कहते हैं यार बस आप लोग बोलते हैं, लोगों को इफेक्ट नहीं होता। लोग मर रहे हैं, हमें पता है। आज भी एक मेजॉरिटी वो पॉपुलेशन है हु डोंट इवन बिलीव कि जी कोरोना है। ये जो मॉल्स की बात हो रही है, एक दो दस बीस नहीं, वो ख़वातीन बैठी थी, मैंने तो डर के पहले बात नहीं की, मैंने कहा मैं अब करूँ। 500,000 ख़वातीन खड़ी हैं बच्चों समेत कि हमने ब्रांडेड सूट्स लेने। व्हाट्स दिस? बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के एंगल से जवाब दूँ, फैक्टर को लेकर ऑब्वियसली, क्योंकि टफ सिचुएशन। देखिए बात बड़ी सिंपल सी होती है कि देखिए ये जो कोरोना का जो एक इफेक्ट है ना, ये दिस इज़ एसिमेट्रिक। पाकिस्तान इज़ एन एसिमेट्रिक कंट्री। जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेडर्स, इन्फ्लुएंसर्स आने की कोशिश करते हैं, वो मैं कह देता हूँ खुली बात, वो हमेशा गलती ये करते हैं, वो पाकिस्तान को सिमेट्रिक समझते हैं, लाइक एवरीथिंग जो पढ़ के आए होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इज़ एसिमेट्रिक। ठीक है, मैं आपसे आगे नहीं जाऊँगा। ये जो कोरोना की जो सिचुएशन है ना, दिस इज़ आल्सो एसिमेट्रिक। ओके, अब उसमें हो ये रहा है कि 3 महीने दुनिया बंद रही है, दैट्स 1 क्वार्टर। एग्जैक्टली, हम प्राइवेट सेक्टर में जब देखते हैं जस्ट अ बैड क्वार्टर, ठीक है जी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो एक वर्ल्ड वॉर वाला है। 8, मैं सिर्फ आपको हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री का बताता हूँ, $8 trillion वर्थ स्टेक पे चला गया। अब कुछ नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा, ये वो। सो अमेरिका की इकॉनमी बर्न आउट होना शुरू हो गया है। यूरोप को जर्मनी ने बचाया हुआ है, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया अपनी उसमें है, इंडिया जिसके बारे में मैं 4 साल से नॉन स्टॉप कह रहा हूँ कि दिस फेक, उनकी इकॉनमी फेक है, सारी बातें सच निकली। और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ वॉर ऑन 2 फ्रंट्स, मतलब कि देयर इज समथिंग something changing throughout the world। so वो जो आपने सोच की बात की ना, वो पूरी दुनिया पे लागू है, वो सिर्फ हम पे नहीं है। ठीक है, जो हमारी जो सिचुएशन है ना, क्योंकि हम एसिमेट्रिकली सोचते हैं, तो हमें, हम चीज़ों को लीनियर नहीं देखते, हम चीज़ों को कर्व्स में देखते हैं। okay. इसीलिए हम 2 स्टेप्स आगे जा चुके होते हैं कि यार अगर ब्रांडेड सूट्स की बात हुई है तो हम ब्रांडेड सूट से आगे जा चुके हैं, दूसरे लोग अभी ब्रांडेड सूट्स पे, दूसरे मुल्कों में ब्रांडेड सूट्स की तरफ जा रहे होंगे। सो आप, हम वो कौम है, अब दूसरी साइड भी ले लेते हैं कि जब बम फटता है हम उसकी तरफ जाते हैं। जबकि ये इनफैक्ट आपका जो ऑफिस इधर है, इसकी बिल्कुल ऑन द अपोजिट साइड, मुझे याद है तकरीबन 20 साल पहले एक मोर्टर फटा था, इधर MX की बिल्डिंग थी। एग्जैक्टली, और पूरा ब्लू एरिया, लोगों ने अपने जूनियर्स को बिठा के सब बॉम्ब की तरफ जा रहे थे। सो वो हमारी अपनी, वी हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी, मैं बार बार कहता हूँ, वी आर एसिमेट्रिक। जो पाकिस्तान में, जो एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जो बदकिस्मती से जो लोग फौत हुए हैं कोरोना पे, सो कॉल्ड या सच में या व्हाटएवर, आई डोंट नो, ये लोगों ने देखे नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, इफ दे वुड हैव, थिंग्स वुड बी डिफरेंट। वो फ़र्क, उन्होंने किसी को तड़पते हुए नहीं देखा जिस तरह ईरान में हुआ, उन्होंने लोगों को गिरते हुए नहीं देखा जैसे वुहान में गिरे। पाकिस्तान में जो स्ट्रेन है, जो मैं एपिडेमोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो हमें जो मुझे जो खबर है एटलीस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल, पाकिस्तान में जो उसका जेनेटिक कोड है, हाँ, वो लेस अग्रेसिव है। ओके,